बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। विकिपीडिया टीवी के मोहतरम अजीज दोस्तों, अस्सलामुअलैकुम। मोहतरम नाजरीन, आज के इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा वाकया जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। ये वाकया है एक बोलने वाले तोते का और एक बदकार बीवी का। इस वाक्य को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मोहतरम नाजरीन, एक आदमी ने अपने घर में एक बोलने वाला तोता पाल रखा था। तोता वैसे तो पिंजरे में बंद रहता था, लेकिन फिर भी अपने मालिक से बहुत खुश रहता और मालिक का वफादार भी था, जिसकी वजह यह थी कि वो आदमी अपने तोते का बहुत ख्याल रखता था। रोजाना काम पे जाने से पहले तोते से मुलाकात करता और वापस आकर सीधा अपने तोते के पास आकर रुकता, उसको दाना पानी डालता और उससे मजे मजे की बातें करता। तोता मालिक की गैर मौजूदगी में उदास रहता और मालिक के घर आ जाने पर बहुत खुश होता। कुछ वक्त गुजरा तो घर में बहुत तब्दीली आ गई। उस आदमी ने शादी कर ली और अलग मकान में रहने लगा और जाते वक्त अपने तोते को भी साथ ले गया। तोते की मालकिन यानी उस आदमी की बीवी उसकी गैर मौजूदगी में तोते का बहुत ख्याल रखती और तोते से मीठी मीठी बातें किया करती थी। तोता मालिक की बीवी को देखकर सीटी बजाता और वो खिलखिलाकर हंस पड़ती और तोता खुशी से निहाल हो जाता। एक दिन मालिक के काम पे जाने के बाद एक अजनबी घर में घुस आया और वो औरत उस अजनबी के साथ सारा दिन कमरे में बंद रही। तोता बहुत हैरान था कि ये कौन है जो पहली बार घर में आया है और उसकी मालकिन के साथ कमरे में घुस गया है, और फिर से मामूल हो गया और अक्सर यही होने लगा। जैसे ही मालिक काम पे चला जाता तो वो आदमी घर में आ जाता और औरत के साथ सारा दिन बातें और अजीबोगरीब हरकतें करता और दोपहर के वक्त वापस चला जाता। उस आदमी के आने से वो मालकिन तकरीबन तोते को भूल चुकी थी। अपनी मालकिन की तवज्जा ना पाकर तोता उदास रहने लगा। एक दिन जब आदमी घर आया तो तोते ने उसे मुहातिब होकर कहा, ऐ आदमी, तेरा नाम क्या है? तुम कौन हो और यहाँ क्यों आते हो? वो आदमी तोते के सवाल सुनकर घबरा गया। उस आदमी को मालूम नहीं था कि वो तोता अच्छी तरह बोलना जानता है। वो औरत भी परेशान हो गई। उसने सोचा भी नहीं था कि तोता अगर ये सब बातें उसके शोहर को बता दे तो वो उसको क्या जवाब देगी। औरत ने तोते से कहा कि ये मेरा भाई है। तोता ये बात समझ रहा था कि ये औरत झूठ बोल रही है, लेकिन वो खामोश हो गया। उसको ये बात समझ आ चुकी थी कि वो उसके मालिक को धोखा दे रही है। उसका दिल बुझ गया। अब वो खामोश रहने लगा। कई बार उसने सोचा कि अपने मालिक को बता दे कि उसकी गैर मौजूदगी में एक अजनबी शख्स घर में आता है और सारा दिन उसकी बीवी के साथ गुजार कर दोपहर के बाद चला जाता है, लेकिन वो अपने मालिक को उदास और परेशान नहीं करना चाहता था। वैसे भी उस दिन से जब तोते ने अजनबी से सवाल किए थे, उस दिन के बाद वो अजनबी उस घर में नहीं आया था। औरत ने तोते के साथ दोबारा वक्त गुजारना और बातें करना शुरू कर दिया, लेकिन एक दिन अचानक वो आदमी फिर उसी घर में आया और पहले की तरह मालकिन के साथ उल्टी सीधी हरकतें करने लगा। तोते को शदीद गुस्सा आ गया। उसने चिल्लाकर उस आदमी से कहा, आज तो मैं अपने मालिक को बता कर ही रहूंगा कि तुम उसके घर आकर उसकी बीवी के साथ बुराई करते हो। वो आदमी तोते से कहने लगा कि फिक्र न करो, तुम्हारा बंदोबस्त हमने कर लिया है। उसके बाद उस तोते की मालकिन ने उस अजनबी को एक बैग लाकर दिया। उसने तोते को पिंजरे से निकालकर बैग में डाल दिया। तोते ने बहुत शोर मचाया और मालकिन की मिन्नतें की कि उसे छोड़ दे, लेकिन मालकिन ने उस अजनबी से कहा, इस तोते को वीरान जगह पर ले जाकर मार दो। आज के बाद न ये घर में होगा, न हमको इससे कोई खतरा होगा। वो अजनबी बैग को लेकर रवाना हो गया। तोता बैग में बैठा सोच रहा था कि काश उसने इंसानों की तरह बोलना न सीखा होता तो आज ये बेबसी की मौत न मरता। दरअसल तोते की मालिक की बीवी बदकिरदार निकली थी। अपने शोहर के काम पे जाने के बाद अपने आशिक को घर बुलाकर मुंह काला करती थी।
उसको याद ना रहा कि घर में मौजूद तोता इंसानों की तरह बोलना जानता है। चलते चलते वो आदमी जंगल में पहुंच गया। उसने तोते को बैग से निकाला और कहा कि हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन तुमको मारना मेरी मजबूरी है, वरना तुम हमारे मिलने का राज उस औरत के शौहर को जरूर बता देते। तोते ने अजनबी से कहा कि मैं खुद पिंजरे से आजादी चाहता था, अगर तुम मुझे आजाद कर दो तो मुझे क्या जरूरत है कि मैं दोबारा कैद में जाऊं? मैं इस जंगल में आजादी की जिंदगी गुजारूंगा। आदमी को तोते की बात में वजन महसूस हुआ। उसने तोते को मारने की बजाय आजाद कर दिया और वापस अपने घर चला गया। तोता वहां से उड़ा वापस अपने घर पहुंचकर दरख्त पर छुपकर बैठ गया। शाम को उसका मालिक दफ्तर से घर आया तो तोते को पिंजरे में मौजूद ना पाकर उसने अपनी बीवी से पूछा तो बीवी ने झूठ बोल दिया कि उसने दाना डालने के लिए पिंजरा खोला था, लेकिन तोता झट से उड़ गया। तोते का मालिक ये सुनकर रोने लगा और बोला, मैं तो इसे इतने सालों से अपना वफादार साथी समझता था, लेकिन वो मुझे धोखा दे गया। जानवरों और परिंदों में वफा होती ही नहीं है। तोता दरख्त पर बैठा ये सारा माजरा देख रहा था। फिर उसकी बीवी अपने शौहर को लेकर कमरे में चली गई। तोते का यकीन पुख्ता होता चला गया कि मालकिन बदकार है। अगली सुबह जब तोते का मालिक काम पे जाने के लिए निकला तो तोता उसके पीछे उड़ता हुआ गया। उसके दफ्तर को देखकर घर वापस आकर दरख्त पर छुपकर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद फिर वो अजनबी आया और मालिक की बीवी को लेकर कमरे में चला गया। जब तोते ने देखा कि दोनों कमरे में चले गए हैं तो तोता जल्दी से उड़ा और अपने मालिक के दफ्तर जाकर कमरे की खिड़की पर बैठ गया। उस आदमी ने जब अपना तोता देखा तो हैरान रह गया। वो जल्दी से उठकर तोते के पास गया। तोता उड़कर बाहर चला गया। आदमी उसके पीछे पीछे चला जा रहा था। आदमी हर सूरत में उस तोते को पकड़ना चाहता था। चलते चलते तोता अपने मालिक के घर की दीवार पर बैठ गया। वो आदमी बहुत खुश हुआ कि उसका तोता घर वापस आ गया है, लेकिन मसला ये था कि उस तोते को कैसे पकड़ा जाए। आदमी उस तोते के पीछे अपनी घर की दीवार पर चढ़ गया। तोता दीवार से उड़कर सीधा कमरे के दरवाजे के पास जाकर बैठ जाता है। वो आदमी तोते के पीछे उस कमरे में दाखिल हुआ तो आगे उसने जो मंजर देखा, वो मंजर देखकर वो तोते को भूल गया, क्योंकि जान से भी प्यारी बीवी गलत हालत में किसी और के साथ बिस्तर पर मौजूद थी। तोते ने अपने मालिक को सारी सच्चाई बताकर नमक खाने का हक अदा कर दिया था। आदमी ने अपनी बीवी को तलाक देकर उसे घर से निकाल दिया। उसके बाद उस तोते ने उड़ान भरी और नजरों से ओझल हो गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उस आदमी ने अपनी बीवी की बातें सुनकर बिना सोचे समझे उसकी बात को मान लिया कि तोते ने धोखा दिया था, लेकिन असल में उसके साथ तोते ने नहीं, खुद उसकी बीवी ने धोखा किया था। कभी कभी इंसान अपने दोस्तों के साथ धोखादही करता है, वादा खिलाफी करता है, उसके हक को पामाल करता है, लेकिन जानवर जो बेजुबान होता है मगर अपने मालिक के साथ वफादारी करता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है, जब इंसान इंसान के काम नहीं आता तब एक जानवर इंसान के काम आता है। अल्लाह ताला हमें और आपको ऐसी कहानियों से सबक हासिल करने की और अल्लाह की तमाम मखलूक के साथ नरमी से पेश आने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन।